नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिंह नहीं बीती लोकसभा मानसून सत्र को लेकर वार्ता कर मोदी सरकार द्वारा पेश और पारित किए गए बिलों पर और जो पारित हुए विधेयक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मानसून सत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी विधेयक, मध्यस्थता विधेयक, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023, तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक पारित किए गए हैं। सरकार ने उपनिवेशक आपराधिक कानून को निरस्त करने और अमित काल के अनुरूप सुधार लाने के उद्देश्य से देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए तीन विधायक भी प्रस्तुत किए। तीनों वीडियो को स्थायी समितियों के पास भेजा गया है। आप ही कांग्रेस और कांग्रेस के ताजे बने गठबंधन को लेकर सांसद राकेश सिंह ने निशाना साधा कि पूरे भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है और इसका नाम इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी यह है कि पूरे देश में एक भ्रष्ट गठबंधन में, भ्रष्ट नेताओं के गठबंधन के साथ, उनकी उपस्थिति के साथ उनका चेहरा सामने आया, जिसको घमंडिया गठबंधन का नाम अब देश की जनता दे रही है और उनके मामले सामने आ रहे हैं और इसलिए वो झूठे आरोप लेकर, मनगढ़ंत और बनाए हुए आरोप लेकर, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में FIR भी दर्ज हुई हैं उनके द्वारा, जिस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इसके लिए उनको माफ़ नहीं करेगी। ये घमंडिया इसलिए है कि वास्तव में ये नाम था UPA, लेकिन UPA पर 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसमें वो लोग शामिल हैं जो चोरी और सीनाजोरी में विश्वास रखते हैं और घमंड से भरे हुए लोग हैं। इनके पास केवल एक ही विषय है, देश के आगे बढ़ने को कैसे रोका जाए, देश की जो विरोधी ताकतें हैं उसमें चीन या पाकिस्तान जैसे देश हैं उनके साथ खड़े होकर विश्व के मंचों पर कैसे भारत की आलोचना की जाए और उसके बाद भी सीना तान के ये कहा जाए कि हम राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं। तो ये घमंडिया गठबंधन में शामिल जो लोग हैं इनका चेहरा धीरे धीरे देश की जनता के सामने उजागर हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिए हैं। जो योग्य और बेहतर उम्मीदवार थे उनको टिकट दी है। चुनाव हारने में, एक बार हारने का मतलब ये नहीं होता कि चुनाव बार बार हारे जाएंगे। देश में अनेकों उदाहरण हैं जब बड़े बड़े लोग भी चुनाव हारे हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार वापस से लोग जीत कर आए हैं और अभी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं ये दोनों ही प्रत्याशी और मध्य प्रदेश में जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं ये सभी चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी और घमंडिया गठबंधन जो दुष्प्रचार करना चाह रहा था वो विफल हुआ। लगातार हंगामे और व्यवधानों के बावजूद भी बहुत सफलता के साथ ये पारित हुए और ये न केवल पार्टी, अगर कोई ऐसे निर्णय करेगी तो ये निर्णय पार्टी के होते हैं और जब पार्टी कोई फैसला करती है तो सर झुकाकर सारे लोग उसको मानते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।